विदिशा जिले के गंजबासुदा जनपद के राजौरा गांव निवासी सत्तार खान आयु 45 वर्ष पर लगभग 22 वर्ष पूर्व चोरी के आरोप में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था और पुलिस की पकड़ से दूर था। गौरतलब है कि उक्त आरोपी पर पुलिस अधीक्षक विदिशा द्वारा 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। देहात थाना प्रभारी ने बताया कि विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई थी कि आरोपी सतपाड़ा हाट चौकी अंतर्गत अपने ससुराल में निवासरत है, जिस पर प्रभारी द्वारा पुलिस टीम गठित कर आरोपी की धरपकड़ की गई और उसे पेश किया गया। विदिशा से आशीष सेले की रिपोर्ट। फरार था और कौन से मामले का आरोपी? ये सत्तार खां पिता भूरे खां था, निवासी राजौरा गांव का था। ये करीब 26 साल पहले चोरी के प्रकरण में गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद से ये फरार हो गया था। कोर्ट द्वारा इसके खिलाफ 98 से वारंट जारी था चोरी का, और काफ़ी दिन से ये बाहर क्षेत्र में रह रहा था और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया था। जिसकी सूचना प्राप्त हुई कि ये गांव है नट वाला गांव है, सतवाड़ा चौकी के पास है, वहाँ ससुराल में रह रहा है। इस सूचना पर जाके वहाँ जाके इसको रात में दबिश देकर इसको पकड़ा गया और गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। काफ़ी मामले जो कोर्ट में पड़े हुए हैं जिसका निकाल नहीं हो पा रहा था, हम उसके आरोपी को तलाश करके और उसका निकाल कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।